नमस्कार दोस्तों, मैं सागर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल विड सजेशन पर। आज कुछ नया सीखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। दोस्तों, पशु में बहुत ऐसी बीमारियां है जो पशु को हो जाए तो इसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो कई बीमारियां ऐसी है जिसका इलाज होता ही नहीं, ऐसी बीमारियां जिसमें आगे जाकर पशु की मौत हो सकती है। ऐसी बीमारियां पशु को ना हो इसलिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसे टीका बोलते हैं। यह टीका पशुओं को बीमारी आने से पहले दिया जाता है जिसे आगे जाकर उस पशु में वो बीमारी नहीं आ सकती। लेकिन इसके लिए जरूरी है पशुओं को सही समय पर और सही मात्रा में टीका दे। यह टीका देने के बाद एक निश्चित काल के लिए पशु के शरीर में उस बीमारी से लड़ने वाली शक्ति यानी कि एंटीबॉडी तैयार हो जाते जिसके कारण उस पशु में वो बीमारी नहीं होती। इसलिए दोस्तों, यह टीका पशु में एक निश्चित समय पर देना बहुत ही जरूरी है जिससे आगे जाकर पशुओं को ये बीमारी का सामना नहीं करना पड़े। तो आज के इस वीडियो में पशुओं को कौन कौन से टीका लगवाने जरूरी है इससे पर हम चर्चा करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, पशु में दिए जाने वाले टीके कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है हीमोरोजिस सेप्टिसीरिया यानी कि HS। दूसरे नंबर पर आता है ब्लैक क्वार्टर यानी कि BQ। तीसरे नंबर पर आता है जिसका नाम है फुट एंड माउथ डिसीज यानी कि FMD। इसके बाद टिटेनस यानी TT। इसके बाद ब्रुसेलेसिस। इसके बाद एंटी रेबीज वैक्सीन। इसके साथ एंथ्रैक्स और रिंडरपेस्ट। इस बीमारियों में सबसे ज़्यादा पशु में होने वाली बीमारी है HS, BQ और FMD। पर जब हम पशुओं में इसका सही समय पर टीका लगाएंगे तो ये बीमारी पशु में नहीं होगी। दोस्तों, HSBQ ये दो बीमारियों के लिए कंबाइन वैक्सीन आता है यानी कि इकट्ठा टीका आता है। ये टीका हमें मई और जून महीने में देना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जुलाई महीने के बाद ये बीमारी आना शुरू होती है। इससे जरूरी है बीमारी आने से पहले पशुओं में 15 से 20 दिन पहले टीका लगाना क्योंकि पशुओं में बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार होने में कम से कम 15 से 20 दिन लगते हैं। इसके लिए जरूरी है 15 से 20 दिन पहले पशु को HSBQ का टीका लगाना। और इसके बाद बात आती है फुट एंड माउथ डिसीज की यानी कि FMD। तो ये टीका हमें अगस्त से सितंबर महीने में देना चाहिए और जनवरी से मार्च महीने में लगवाना चाहिए यानी कि साल में 2 बार देना बहुत ही ज़रूरी है। ये बीमारियाँ सर्दी में होती है, इसके लिए ज़रूरी है बीमारी आने से पहले 20 से 25 दिन पहले टीका लगाना। दोस्तों, ये बीमारी पूरे भारत में आ जाती है, इसके लिए हर साल 2 बार टीका लगवाना बहुत ही ज़रूरी है इसे आगे जाकर ये बीमारी न आए। इसके बाद बात आती है टिटनस की। ये बीमारी पशुओं में कभी भी हो सकती, इसके लिए पशु में साल में 2 बार टीका लगाना जरूरी है। ये टीका हम किसी भी महीने में लगवा सकते हैं। पशु को कभी भी चोट लग सकती है और छोटी मोटी चोट से ही टिटनस का वायरस पशु के शरीर में घुस जाता है। और ये वायरस जब पशु के शरीर में घुस जाए तो समझ लो पशु की मृत्यु अटल है। इसके लिए ज़रूरी है पशु में हर 6 महीने में टिटी का टीका लगवाना। इसके बाद सबसे घातक बीमारी यानी कि ब्रुसेलोसिस। ये बीमारी है जब पशु को आ जाती है तो पशु गाभिन रहने के बाद 2 से 7 महीने में बच्चा गिरा देता है। ये बीमारी पशुओं से हमें भी हो सकती है, इसके लिए ब्रुसेलोसिस का टीका लगवाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद बात क्या आती है एंटी रेबीज वैक्सीन यानी कि ARV टीके की। दोस्तों,
ये बीमारी पशुओं को तब होती है जब पशुओं को पागल कुत्ते ने या जानवर ने काटा हो। इसके लिए जरूरी है जब भी पशु को पागल कुत्ते ने या जानवर ने काटा हो उसके बाद तुरंत उसे टीका लगवाएं। टीके का शेड्यूल कुछ इस प्रकार से रखिए। इसके बाद एंथ्रैक्स और रिंडरपेस्ट, ये बीमारियां भारत में अभी नहीं है तो इसका टीका लगवाना उतना जरूरी नहीं है। फिर भी कभी आपको दिखाई दे तो इसका तुरंत टीका लगवाना जरूरी है। इस प्रकार से आप पशुओं को टीका लगवाएंगे तो समझ लो पशुओं में ये बीमारियां कभी नहीं आएगी। लेकिन याद रखना, टीका लगाते समय बहुत सी सावधानियां रखनी पड़ती है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो तैयार किया है, आप ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।